नागपुर शहर में अगस्त महीने की 18 तारीख को एक पत्नी द्वारा अपने ही पति और दो नाबालिग बच्चों की हत्या करने और उसके बाद खुद ही आत्महत्या करने का एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया था। इस मामले में अधिक जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा बुधवार को पत्र परिषद कर दी गई। बुधवार को पुलिस प्रशासन द्वारा पत्र परिषद कर राणे परिवार की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए अधिकारी जानकारी मीडिया के सामने प्रस्तुत की, जिस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा गया कि डॉक्टर सुषमा राणे की मृत्यु फांसी लगाकर की गई, वही उनके पति प्रोफेसर धीरज और उनके 11 और 5 साल के दो बच्चे सुषमा ने ही खाने में जहर डालकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक तनाव और झगड़ों के कारण सुषमा ने यह कदम उठाया। बता दें कि अगस्त महीने में डॉक्टर सुषमा राणे ने अपने पति प्रोफेसर धीरज और उनके 11 व 5 साल के दो बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मृतक सुषमा पर मामला दर्ज किया और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, NBC न्यूज नागपुर। दिनांक 18/8/2020 को कोराड़ी पुलिस स्टेशन के हद्दी में ओम नगर में हमें 4 व्यक्ति मृत अवस्था में मिले थे। धीरज राणे उम्र 42 साल, सुषमा राणे उम्र 41 साल और उनके दो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 11 साल और 5 साल थी। तो प्रथम दर्शनी जो कंट्रोल को कॉल आया था वो ये था कि 4 लोगों ने आत्महत्या की है, उसको लेकर के आत्महत्या करने को लेकर के हमें सीन ऑफ क्राइम विजिट करने के बाद संशय लग रहा था उसको लेकर के। तो अगले दिन पोस्टमार्टम में सुषमा राणे ने गड़फास लगा करके आत्महत्या की है, ये क्लियर हुआ। बट ये 3 लोगों की मृत्यु किस कारण से हुई, धीरज राणे और उनके दो बच्चों की, ये क्लियर नहीं होने के कारण उसकी विसरा रिपोर्ट और हिस्टोपैथ रिपोर्ट के बेसिस पे, डॉक्टर की फाइनल ओपिनियन के बेसिस पे ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि उनकी डेथ पॉइजनिंग से हुई है। और जो घटनास्थल पे हमें जो पुरावा मिले, तांत्रिक और इतर पुरावा और जो उनकी बॉडीज पे इंजरीज थी, उससे हम सरकमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सुषमा राणे जो खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में धंतोली में डॉक्टर थी, उन्होंने एक एनेस्थीसिया को यूज़ करके अपने कौटुंबिक कारण के कारण उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बच्चों को इंजेक्ट करके उनकी हत्या की। और उस आधार पे आज मर्ग की चौकसी अंती हमने हत्या का गुनाह सुषमा राणे के ऊपर दाखिल किया है और योग्य रीति ने तपास करके, चूँकि सुषमा राणे ने खुद आत्महत्या कर ली तो उसके कारण हम अपडेटेड समरी रिपोर्ट उसकी कुछ दिनों में भेजने वाले हैं। हमारे तपास में यह भी निष्पन्न हुआ कि धीरज की जो चारित्र थी वो थोड़ी संशयास्पद थी और जब सुषमा या उनके बच्चे स्कूल जाते थे और सुषमा हॉस्पिटल जाती थी तो कुछ कॉल गर्ल्स को भी उसने अपने घर पे बुलाया था और इस बेसिस पे और उल्टा सुषमा के चारित्र के ऊपर संशय करके उसकी पूरी फ़ोन कॉल्स जो थी उसने अपने फ़ोन पे डाइवर्ट करके रखा था। तो ये सब रीजंस हमको कौटुंबिक वाद को लेकर के हमारे तपास में निष्पन्न हुआ। कर्ज को लेकर के उसके घर के हाउस लोन और कार लोन को लेकर के 2 कर्ज थे, बट उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो रेगुलरली पे कर रहा था इन दोनों के इंस्टॉलमेंट्स। और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, दोनों की मिला करके टेक होम सैलरी वॉज अराउंड 1,00,000 रुपये और फाइनेंशियल अड़चनी के कारण ये घटना हुई ऐसा हमारे तपास में निष्पन्न नहीं हुआ।